फिर ये मेरी टी शर्ट के पीछे पड़ गए। इनको अभी तक समझ नहीं आ रही बात, नहीं उनको समझ नहीं आ रही बात। देखो ये कह रहे हैं टी शर्ट क्यों पहना है, ये सफेद टी शर्ट क्यों पहना है, इसको सर्दी नहीं लगती। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं क्यों पहना हूं। यात्रा शुरू हुई केरला में, भयंकर गर्मी, ऐसा लग रहा था भैया टी शर्ट उतार दो, मतलब उसमें पसीने आ रहे थे, ह्यूमिडिटी बहुत थी केरला में, काफी मतलब गर्मी लगी। फिर मैं मध्य प्रदेश में गया, थोड़ी ठंड होने लगी, थोड़ी सी मतलब ज्यादा नहीं। सुबह सुबह क्या हुआ, 6 बजे हम निकलते हैं, सुबह सुबह 3 गरीब बच्चे मेरे पास आ गए, फटी हुई शर्ट थी, और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा, हाथ लगाया फोटो के लिए, फोटो लेना चाहते थे, एक इस साइड और एक साइड लड़कियां थी, एक इस साइड एक इस साइड, जैसे मैंने उनको पकड़ा वो कांप रही थी, ठंड से कांप रही थी, और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा मैं टी शर्ट पहनूंगा। जब कांपना शुरू हो जाएगा, जब मुझे अच्छी मतलब ठंड लगने लगेगी, जब जबरदस्त कठिनाई होगी, तो फिर मैं स्वेटर पहनने का सोचूंगा, मगर उससे पहले नहीं करूंगा। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं, उन 3 लड़कियों को देना चाहता हूं कि अगर आपको ठंड लग रही है तो फिर राहुल गांधी को भी ठंड लगेगी। जिस दिन आपने स्वेटर पहन लिया उस दिन राहुल गांधी स्वेटर पहन लेगा।